तो बच्चों, आज 10th क्लास के मैथ का क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये मैथ का पहला सेट होगा मेरे चैनल पे। तो आप लोग हर क्वेश्चन को अच्छे से कोशिश कीजिएगा समझने का, क्योंकि हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझा पाएँ। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी आए, तो आप बेहिचक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का मैथ्स का पहला सेट देखते हैं हम लोग। तो सेट का पहला क्वेश्चन है, 10 व्यक्तियों के समूह का माध्य मासिक वेतन 1445 रुपया है। एक नए सदस्य जिनका मासिक वेतन 1500 रुपया है के आ जाने के बाद नया माध्य क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है इसमें, 1550 रुपया, 1450 रुपया, 1430 रुपया या 1740 रुपया। तो आप लोग देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं, और जहाँ पे भी सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आए, समझ में ना आए, तो आप पूछ सकते हैं उसको कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे क्या रहा है, 10 व्यक्तियों के समूह का माध्य मासिक वेतन। तो हम लोग सबसे पहले इसका निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को 10 व्यक्ति का माध्य पता है कहीं ना कहीं उनके वेतन का। तो उसका हम लोग कुल योग निकाल लेते हैं, 10 व्यक्तियों के मासिक वेतन का कुल योग। आपको सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य बराबर होता क्या है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो आपका इसमें माध्य कितना दे रहा था, 1445। प्रेक्षणों का योग हमको पता है नहीं, इसको आप लोग एक्स मान लीजिए, और प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 10 व्यक्ति, इसलिए 10 होगा। तो आपका यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 10 डिवाइड में भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 14450 रुपया क्या आ गया, ये कुल योग आ गया 10 व्यक्तियों का। तो नए व्यक्ति का मासिक वेतन है 1500 रुपया, तो आपका 1500 इसमें जोड़ देते हैं, कितना आ गया, 5 5 9 5, यानी 15950 रुपया आ गया इसका कुल। तो बस नया माध्य निकाल देना है, इसलिए नया माध्य बराबर। तो प्रेक्षणों का योग तो आपको पता है, यहाँ पे 11 व्यक्ति हो गए, पहले से 10 थे लेकिन इसमें एक व्यक्ति का और जुटा है तो 11 हो गया। तो सबसे पहले इसका कुल योग कितना हो गया, 15950, इसमें आप 11 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा आपका, 11 से एक बार में, फिर 11 से 4 बार, 11 से 5 बार, फिर जो है 1450 रुपया आ गया नया माध्य। आपका गौर कीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दो नंबर क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दे तो नया माध्य क्या होगा? इसको देखिए कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले आपको 10 संख्याओं का माध्य दिया है तो माध्य का फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी जस्ट आप लोगों को बताया था माध्य का फॉर्मूला, तो आप सीधा लिख सकते हैं माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो आपका माध्य दिया हुआ है 20। प्रेक्षणों का योग हमको नहीं पता है, उसको एक्स मान लेते हैं, प्रेक्षणों की संख्या है 10, इसलिए एक्स का मान कितना आ गया, तो भाग में इधर गुना में गया, 200 आ गया टोटल। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए, तो टोटल मेरे पास 10 संख्या था, उसमें से 5 5, 10 संख्या से 5 5 अगर घटा देते हैं तो मेरा टोटल कितना घट जाएगा, 50, बच गया आपका 150। यानी 150 का माध्य क्या होगा, यही पूछ रहा है, नया माध्य बताएं। तो नया संख्या का योग 150 आ गया, और आपका टोटल आंकड़ा कितना था, 10 था, तो 10 से डिवाइड कर दीजिए 15 बार में, तो आपका इसका 15 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 15। तीन नंबर क्वेश्चन है, 6 4 7 P तथा 10 का माध्य 8 हो तो P का मान क्या होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। सबसे पहले इसमें उनको प्रेक्षण क्या क्या दिया हुआ है, 6 है, 4 है, 7 है, P है, और क्या दिया हुआ था, 10। इन सब का माध्य कितना बताया जा रहा है, 8। माध्य बराबर आपका 8 है, तो आप फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं वही वाला, माध्य का माध्य आपको 8 पता है,
माध्य की जगह पे ये रख दिए। प्रेक्षणों का योग कह रहा है तो प्रेक्षण मेरे पास जो भी पता है वो लिख देंगे इसको यहाँ पे पी प्लस 10। कितना आंकड़ा है टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 आंकड़ा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे इस भाग में है तो इधर आएगा तो गुना है तो 8 5 40, इसको जोड़िए 6 4 10, 7 17 और 10 27 प्लस पी, इसलिए आपका पी बराबर क्या हो जाएगा 27। पी के तरफ प्लस में था, इसके आगे प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 40 में 27 गया, 13 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चार नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा ब्लैंक, ये खाली जगह पे क्या भराएगा आपको बताना है। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा खाली स्थान, यहाँ पे क्या भराएगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है आप लोग याद रखिएगा, SIGMA सिग्मा। पाँच नंबर क्वेश्चन है, यदि n विषम हो तो माध्यक केम्मा पद का मान होगा, यानी इसमें माध्यक कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला है, जब माध्यक चैप्टर में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे डिटेल्स में। अभी इसका आंसर देखिए कैसे हम लोग लिखेंगे, अगर n विषम हो तो माध्यक इसका कौन सा पद कहलाता है, तो n विषम होने पे आपका n प्लस 1 बटा 2 वा पद जो होता है वो माध्यक कहलाता है। छः नंबर क्वेश्चन है, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा, तो सबसे पहले आपको पता हो जाए कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं, तो वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, जबकि अगर ऐसा हो कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट जाए तो उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आपको इसमें अभाज्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कौन कौन सी होगी, 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आप लोगों को देख लेना है कि ये घटते या बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। अब इसको आप दोनों तरफ से एक एक डिजिट को काटते जाइए, बच गया आपका 5 और 7 बीच में, तो इन दोनों को जोड़ के 2 अंक है इसलिए 2 से भाग दे देना है, तो 12 भागे 2 करेंगे अगर तो 6 आ गया इसका आंसर। सात नंबर क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर 3 तथा 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो आप लोग को पता होगा कि किसी भी पासा में 6 डिजिट होता है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका प्रायिकता कैसे निकलेगा, यानी PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी घटना की प्रायिकता, तो इसको निकालना है 3 तथा 6 के बीच संख्या प्राप्त होने का, तो 3 तथा 6 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 और 5, ये कितना संख्या है टोटल 2, तो 2 को ऊपर रखेंगे और कुल संख्या ये कितना है 6, तो 6 से भाग दे देंगे, 1/3 इसका आपका प्रायिकता हो गया आंसर, तो आपका सी नंबर 1/3 इसका सही आंसर होगा। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या तथा 3 का गुणक प्राप्त होनी चाहिए कि प्रायिकता बताएं, तो आप लोग देखिए आठ नंबर क्वेश्चन को, कि सम संख्या बोला तो सम संख्या कहते किसको हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो पासा भी जस्ट आप लोग बताए कि 6 संख्या होता है, लेकिन इसमें शर्त कुछ और, इसमें कह रहा है कि 3 का गुणक होना चाहिए वो, तो 3 का गुणक कौन कौन है सम संख्या में, 3 का गुणक खुद 3 तो है लेकिन ये सम संख्या नहीं है, तो आपका बच गया 6, तो मेरे पास एक ऐसा संख्या है जो इस शर्त को फॉलो कर रहा है, तो 1 आपका लिख दीजिए ऊपर में, और टोटल संख्या कितना है 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/6। तो आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराया जा रहा है, तो आप लोग बस इसका सॉल्यूशन समझते जाइए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्टकट में भी समझाने का कोशिश करेंगे कहीं कहीं हम। 9 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला यूक्लिड के द्वारा दिया गया था, और किस लिए दिया गया था, तो मसा ज्ञात करने के लिए,
आप लोगों को पता होगा, ये यहाँ पे आपको वैल्यू दे रहा है b बराबर 4, q बराबर 6 तथा r बराबर 1। तो a का मान पूछ रहा है, तो इसका सब का मान आप लोग इसमें रख देंगे तो आपका a का वैल्यू पता चल जाएगा। bq प्लस r यानी b गुना q होता है, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा हुआ होता है, तो आप लिखिए 4 गुना 6 हो गया b गुना q, अब प्लस में r है यानी प्लस में 1। सबसे पहले गुणा का काम, उसके बाद जोड़ का काम, तो 6 चौ 24 प्लस 1 25 आपका आंसर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1.666 और इसमें तीनों 6 पे रेकरिंग है, को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे? तो ये रेकरिंग वाला समझिएगा, बहुत ही कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको देखना है कि पूरा डिजिट आपको ना इसमें दशमलव देखना है ना आपको रेकरिंग देखना है, बस पूरा अंक क्या दिख रहा है आपको, तो 1666। दूसरा स्टेप इसका ये है कि आपको बिना रेकरिंग वाला अंक देखना है कि कितने अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो एक बचा हुआ है, तो एक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए इसमें से घट जाएगा। नीचे क्या होता है, तो दशमलव के बाद देखना है कि कितना अंक पर रेकरिंग है, उतना बार 9 लिखेंगे, तो 3 अंक पर है तो 3 बार 9 हो गया। अगर कोई अंक ऐसा होता जिस पर रेकरिंग नहीं होता तो उतना बार फिर 0 लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब कितना हो जाएगा, 1665/9। क्या ये कटेगा? तो अगर काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 5/3, आपका ऑप्शन नंबर डी में ये आंसर है, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3.27, जिसमें 2.7 पर रेकरिंग है, एक संख्या है, किस प्रकार की संख्या है यह 3.27 पर रेकरिंग? तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 327 में से 3 गया और नीचे आपका हो गया 2×9, 7 में से 3 गया 4 और ये हो गया 32/9, तो ये आपका परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x²-9x+a के मूलों का गुणनफल 8 है, तो ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में दो मूल होता है, एक अल्फा, एक को बोलते हैं, और दूसरा को बीटा बोलते हैं। तो इसका गुणनफल के बारे में बता रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रहा है मेरा यहाँ पे 8। तो a का मान पूछ रहा है, a बराबर 8, ये जो a यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, और ये सी ए क्या होता है, तो सी जो होता है वो है अचर पद, और ए जो होता है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं, एक्स के गुणांक को बी बोलते हैं, और अचर पद को सी बोलते हैं। अब बराबर में 8 आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लगाइए, सी का मान कितना आपको दिया हुआ है, ए का मान कितना है, कुछ नहीं यानी 1 छुपा हुआ है इसके आगे, किसी भी चर मान के आगे गुना में 1 छुपा हुआ होता है, 1 लिख दीजिए बराबर 8, इसलिए a बराबर क्या जाएगा, इधर एक भाग में तो इधर जाएगा तो गुना में 8 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x²+3x+2 के शून्यक हैं, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि आखिर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बराबर शून्य मान यानी बराबर शून्य मानना पड़ता है, तो इसका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए नियम क्या है कि एक्स स्क्वायर वाले पद को और अचर पद को दोनों को गुना किया जाता है चिन्ह के साथ, तो इसको गुना किया जाएगा तो आपको 2x² आएगा। तो अब बीच वाले पद को इस रूप में तोड़ना होता है ताकि गुना करके ये आ जाए और जोड़ के ये आ जाए, तो आप लोग गौर कीजिए, यहाँ पर x²+3x को हम लोग लिख सकते हैं 2x+x, और लास्ट में 2 है तो इसको लिख दिए बराबर 0। अब आप लोग गौर कीजिए कि यहाँ पे 2x और x को गुना कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो वापस से 3x आ जाएगा। अब कॉमन लेने वाला काम करते हैं, ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं x, तो बच गया x+2, यहाँ पे कॉमन 1 लेते हैं तो x+2 बराबर 0। अब आपका जो भी टर्म यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट में, उसके बाद उसके बदले में एक बार लिख देंगे, अब बाकी जो बचा हुआ है उसको अलग लिख देंगे बराबर 0। अब या तो आपका x बराबर इधर प्लस में 2 है,
इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट ये कहाँ गया आखिर, तो यहाँ पे आपका इसके साथ गुणा था, इधर गया भाग में तो ये जीरो हो गया, बच गया ये, तो इधर प्लस में था तो इधर आया तो माइनस। दूसरे पक्ष में अगर लेते हैं, इसको रखते हैं, तो ये इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो x प्लस वन बराबर जीरो, इसलिए x बराबर माइनस वन, यानी माइनस टू और माइनस वन इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका सही आंसर होगा।